अल्टीमेट अल्टीमेट भीड़ जिसे कहते हैं ना वो है। वह भाई साहब गुरुजी मिसिंग मारी 40 ऊपर चल नहीं रही भाई साहब। मैं कहूँ रुक गई तो हो गया काम, नहीं चल रही 40 से ऊपर नहीं चल रही है भाई। यहाँ चल लेते हैं ना, किधर? इधर ये फंस गया बेटा, मेरा दिमाग अभी सारा यहीं था। हेलो उधर तो चल लो उधर। सो फाइनली गाइस वी आर एट घारदुंगला टॉप, खींचते खींचते आ ही गए हैं कुछ ना कुछ करते हुए। अरे भैया क्या हो गया भैया, इन्हें देखना इतनी भीड़ है, कितनी हद से ज़्यादा भीड़ है। और स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है, हल्की फुल्की स्नोफॉल इफ़ यू कैन सी। भैया बाइक वहाँ खड़ी है हमारी, बाइक अबे यहाँ रहने दो वहाँ चलते हैं। अरे भाई स्नोफॉल फिर से हल्की फुल्की। सोनीपत से है भाई, कैसे खिंचवा रहे हैं भाई साहब। मैं कह रहा हूँ ऑफ सीजन आना चाहिए यहाँ तो। इतना कभी नहीं होता भाई, मैं ऑफ सीजन में आया, इतना कभी नहीं होता, मैं पहली बार देख रहा हूँ। पेट्रोल देखियो, पेट्रोल दे। बीच में लगाते थार, उधर लगाते बाइक, इधर लगाते बाइक और फोटो खिंचाते, चलो चलो चलो। तो कुछ प्लानिंग मचा रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं फोटोज के लिए। यहाँ तो कभी भीड़ लग गई जैसे पूरा टॉप निकाल के ले जाएंगे। बस करो भाई जाओ, बहुत ही लाइट लाइट स्नोफॉल है, बहुत ही हल्की 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 हल्की, बिल्कुल रूई से भी हल्की है। लग गया है अच्छा खासा टाइम और जो है बहुत सारी भीड़ है। ये खारदुंगला पास कभी सिर्फ राइडर स्पॉट होता था, आज ये फैमिली स्पॉट है, हर किसी उम्र के लोग यहाँ पर पहुँच गए। सो नाउ वी आर मूविंग। पानी पी पी के ब्लैडर हो चुका है फुल, अब खाली करने का समय आ गया इसे। सो आगे देखेंगे। अबे भाई पानी पी पी के फुल हो गया है। आप लोग आए थे ना? वो ठीक है, सुसु आ रही है, बहुत तेज आ रही है पानी पी पी के। ओह गॉड, लेट्स मूव। अब नीचे उतरना है, बाइक थोड़े चलेगी सही से, ऊपर तो सांस तोड़ दी थी इसने। पर वो बोर्ड के सामने जो इच्छा थी ना फोटो खिंचानी, वो नहीं हो पाया बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ये है खारदुंगला टॉप, बर्फ हल्की फुल्की बर्फ़ हो रही थी, ज़्यादा नहीं थी, बट यू इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, ग्रेट एक्सपीरियंस बीइंग हियर।
जगहों को अभी तक सिर्फ वीडियोस में देखा था और वहाँ पर हैं। ओह थैंक यू लॉर्ड। लेट्स मूव। बाइक को लग गई ठंड। पेट्रोल बंद है भाई तो बाइक तो बंद ही होगी यार, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, मेरी आदत नहीं है ना कभी पेट्रोल बंद करने की। तो अब यहाँ से उतर के हम जा रहे हैं नुब्रा वैली हुंदर तुरतुक। हो गोप्रो की होगी थी बैटरी ख़त्म, तो मैंने कहा धूप निकल रही है धूप वाले पहाड़ पे रुकूँगा, तो बैटरी चेंज कर ली। हाँ, थोड़ा फिर रिलैक्सिंग क्या बोलते रिलैक्स मिल रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है धूप में। सब अलग अलग चल रहे, गुरु जी रॉबिन पीछे फोटो खिंचाने के लिए रुक गए थे, मैं यहाँ हूँ, अमन आगे भाग रहा है सांस है मुझसे आगे क्योंकि मैं रुक गया था यहाँ पे। कार दो उंगला टॉप डन, नाउ हेडिंग टूवर्ड्स हुंदर या फिर हुंदर ही जा रहे हैं, सॉरी तुरतुक जा रहे हैं वैसे तो, हुंदर पहले हुंदर पहुंच के फिर वहाँ से तुरतुक के लिए निकलेंगे, क्योंकि तुरतुक के लिए जो रास्ता दिखाता है अगर मैं मैप में डालता हूँ तो पाकिस्तान होते हुए दिखाता है हमें वापस जम्मू लेके, पाकिस्तान से निकाल के बलिस्तान है सिंह पुलिस्तान है जो भी नाम है वहाँ का, वहाँ से निकाल के ले जाता है और जो है एक दिन का रास्ता निकालता है। अभी बज रहे हैं दोपहर के एक बजने में 8 मिनट है, तो 2 घंटे मतलब 3-3:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, 3:30 मान लेते हैं क्योंकि रुक आके तो चलना ही है अंदर 3:30 बजे तक, फिर उससे आ गया था तुरतुक 90 किलोमीटर उसमें भी 1.5 घंटा और शाम के आंसर 7-8 बज जाएंगे पहुँचते। हमारा टारगेट था कि हम तुरतुक पहुँच जाए 3-4 बजे तक, सुबह लेट हो गए फिर खारदुंगला में इतना रश जिसकी कोई हद नहीं। ओके जी सो अभी हम पहुंच गए हैं नॉर्थ कुल्लू, अभी खारदुंगला टॉप पे थे थोड़ी देर पहले तक और भाई साहब भयंकर ठंडी थी वहाँ पे, पर ये हमारे जाबाज खिलाड़ी लोग हाफ टी शर्ट में घूम रहे थे, इनके दो जाबाज इनके दांत देने पड़ेंगे इनके दांत लेने पड़ेंगे। सो मतलब अच्छा खासा था और भीड़ ऐसे मतलब ठेके भी नहीं देखी होगी आपने ऐसी भीड़ इतनी भीड़ थी वहाँ पे वन प्लस वन वाली भी हो सकती है ठीक है। सो अभी हम आ चुके हैं नॉर्थ कुल्लू और यहाँ का नज़ारा बहुत प्यारा, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, इट्स अ वैली और पीछे नदी भी है तो वहाँ पे थोड़ी देर में चलेंगे। लुक एट द व्यू, पीछे से आगे ज़्यादा अच्छा आएगा क्योंकि यहाँ अभी किचन आ रहा है बीच में। सो मिलते हैं आपसे। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है।